मेरे को नहीं चाहिए पगार, बेइज्जती करती है फिर पगार की बात करती। हाँ शीला, वैसे भी तू ही हमें संभालती है शीला। हाँ। अब तो हमारी भाभी बन जाएगी, इस घर की मालकिन। नको साहब, नको डालो। अरे नको रखो। अरे नहीं नहीं, मैंने मना किया था भाभी, इसको मत बुलाओ, ये ऐसे ही है। अरे ये तो हमारे घर की है। घर की है तो एक पियक्कड़ भाई के साथ काम वाली को भी नचवा रही हो। अब मैडम मैं माफी मांगती हूँ, नेक्स्ट टाइम आपके सामने से कुछ भी नहीं करेगी, आई स्वेयर। हाँ नहीं, मेरे सामने तो मेरे पीठ पीछे करेगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे घर में काम करती है। और ये शीला बहुत अच्छी है। हाँ। देख लिया मैंने कितनी अच्छी है। अरे भाभी प्लीज माफ कर दो और छोड़ दो प्लीज। मेरे को तो इसके साथ शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। पर ऐसा क्यों भाभी? एक पियक्कड़ इंसान है आपका भाई। अरे बात तो सुना है, वो चिपक रहा था, तू क्यों चिपक रही थी? मैं नहीं चिपक रही थी, साहब जी मेरे से चिपक रहा था। शर्म नहीं आती? शादी वाले दिन पी के आता है। भाभी प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे ना इसके साथ रहना ही नहीं, इस काम वाली के साथ इसकी शादी करवा दो। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाभी, बोल ना शीला, मुझे बोलने बोल रही हूँ। मैडम मैं माफी। अरे मत जा मैडम, हाँ हाँ माफी मांग रही है, छोड़ दो इसको। माफी आफी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके साथ इसकी शादी करवा दो। भाभी ये तो ऐसा ही है, प्लीज इसके चक्कर में घर छोड़ के ना जाइए। हाँ सही बोल रही है ये। भाभी मैं तो बोलती इसकी पगार ही मत दो। सही बोल रही है। अगो भाई ऐसे कैसे बोलती पगार नहीं दो, साहब जी मेरे को 1.5 महीना पहले से ही एडवांस में पगार देता है। हाँ देखो भाभी देखो, उसकी काम देखो कैसे करती है ये घर में। तूने तो बताया भी नहीं, बड़ी चलाक निकली तू तो। फिर रुक जाओ ना प्लीज। घर का काम कौन करेगा, इसी को रोक लेते हैं, इसकी शादी से बेवड़े से करा देते, कोई करने वाला तो है नहीं। सही बोल रही है, आ जाओ। कांता मैं तो उसको प्यार से शीला बोलती हूँ। गो भाई क्या गोड़ गोड़ बातें करती है। अरे तेरे को 2 महीने की एक्स्ट्रा और दे देंगे, बता कब चाहिए? मेरे को नहीं चाहिए पगार, बेइज्जती करती है फिर पगार की बात करती। हाँ शीला वैसे भी तू ही हमें संभालती है शीला। हाँ। अब तो हमारी भाभी बन जाएगी, इस घर की मालकिन। नको साहब नको डालो। अरे नको रखो। अरे नहीं नहीं, कितनी प्यारी हो गई शादी, हो गई हो गई हो गई। अब क्या किया है बेवड़े ने? मैडम चप्पल तो हाँ लो, ये कान था, इसको तो मैं भी मारती। साला कूतरा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देखती हूँ तेरे को बेवड़े कौन शादी करती तेरे से।